Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, it's a good news for those who are demanding for lectures of second year chemistry. Bahut sare students hame ye request kar rahe the ki sir aap first year 9th 10th ke sath sath ab second year ke lectures ko bhi saath leke chale. To unke liye ek achhi news hai, ek good news hai ki aaj se humne second year chemistry ko bhi start kar liya hai aur aaj se aap फर्स्ट ईयर के साथ साथ सेकेंड ईयर के लेक्चर्स को भी देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि आज से हम जो सेकेंड ईयर का पोर्शन है उसमें हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन से, क्योंकि मेजॉरिटी जो होता है कि जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन है या जो बाकी ब्रांचेस हैं वो कंपैरेटिवली इसलिए ईजी होती हैं कि वहाँ पर स्टूडेंट क्रेमिंग कर लेते हैं, यानी कि चीज़ें याद कर लेते हैं. लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये है कि इसके एक एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी होता है. तो इसलिए हमारी कोशिश ये होगी कि पहले आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन, क्योंकि ये बाकी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स के मुकाबले में, यानी कि बाकी जो ब्रांचेज हैं उनके मुकाबले में थोड़ा लेंथी होता है, तो अगर आपको ये पोर्शन क्लियर हो जाए तो आपका मेजॉरिटी एग्ज़ाम का पोर्शन भी क्लियर हो जाता है. लिहाजा हम आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करके आपको इसका मेन कॉन्सेप्ट विद हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन कि हिस्टोरिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक वर्ड किस तरह से यूटिलाइज किया जाता रहा या किस तरह से आज के मॉडर्न साइंस में या आज के मॉडर्न केमिस्ट्री में हमारे तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वर्ड पहुंचा. सबसे पहली चीज़ आप याद रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि कार्बन बेस्ड कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शंस एंड प्रेपरेशन को स्टडी करना. तो सबसे पहली चीज मैं डेफिनेशन इसकी लिख रहा हूं कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर की स्टडी, स्ट्रक्चर्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज कंपोजिशन रिएक्शन एंड प्रेपरेशन ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड. और कार्बन बेस्ड कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड प्रेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड प्रेपरेशन, इन चीजों को स्टडी करना क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब यहां पर एक चीज को मैं क्लियर करूंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होंगे. ठीक है, पहले आप सिर्फ इतना याद रख लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स को कहते हैं, कि ऐसे कंपाउंड कि जिनमें मेन जो कंपोनेंट होगा वो कार्बन हो और उसके साथ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन भी हो सकता है क्योंकि मेजॉरिटी कंपाउंड में हाइड्रोजन होता है. ठीक है, और इसके साथ साथ दूसरे एलिमेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन्स वगैरह एलिमेंट्स मौजूद होंगे, लेकिन मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, जो मेन कंपोनेंट, जो मेजर पोर्शन होगा वो क्या होगा? कार्बन होगा. तो इसलिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स को कहते हैं. कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक हो गया. अब ये एक डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यहां तक तो आपको बात क्लियर. अब हमने ये चीज थोड़ी सी देखनी है कि हिस्टोरिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे डेवलप हुई. आप सिंपल याद रखना है कि ओवरऑल अगर हम जनरल हिस्ट्री की बात करें केमिस्ट्री की,
तो जितने भी नोन कंपाउंड होते थे पुराने जमाने में, यानी कि 18 सेंचुरी में या उससे पहले, 18 सेंचुरी या उससे पहले जितने भी कंपाउंड्स नोन होते थे उनको ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज क्लासिफाई किया जाता था। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग थिंग से ऑप्टेन होते उनको कह देते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो नॉन लिविंग से थे उनको क्या कहते थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ओल्ड क्लासिफिकेशन थी, यानी से हम क्लासिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये आपने देखना है कि ओवरऑल दो क्लासेस थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरी क्या थी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इस पर हम इतनी डिटेल राइटिंग नहीं करेंगे, आपको मेन कॉन्सेप्ट हमने डेवलप करवाने की कोशिश करनी है कि मैंने कह दिया कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक किसकी वजह से क्लासिफिकेशन थी, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, सोर्सेज की बेस पे कि जो कंपाउंड लिविंग थिंग से ऑब्टेन, क्योंकि ये वर्ड जो है ऑर्गेनिक, वर्ड ऑर्गेनिक डिराइव है ऑर्गेनो से, और ऑर्गेनो का मतलब आपको पता है ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म का मतलब है लिविंग थिंग्स। तो ऐसे कंपाउंड जो लिविंग थिंग से ऑप्टेन होते उनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को वो क्या कह देते थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑन दी अदर हैंड जो नॉन लिविंग सोर्सेज, यानी कि आप मट्टी होगी, चट्टाने होंगी, इस तरह की जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनसे जो भी कंपाउंड ऑब्टेन होते उनको क्या कह दिया जाता था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और उनकी स्टडी को हम क्या कहते थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये टोटल दो ब्रांचेस थी जो जिनको स्टार्ट में केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता था, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। अब ये जो क्लासिफिकेशन थी, ये क्लासिफिकेशन थी बेसिकली वाइटल फोर्स थ्योरी की बेस पे, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी पे एक डिटेल लेक्चर इसके बाद, यानी कि ये फर्स्ट लेक्चर के बाद जो सेकंड लेक्चर मेरा आएगा वो वाइटल फोर्स थ्योरी पे होगा, उस पर आपको ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या था। लेकिन यहां पर भी इसको समझना, थोड़ा सा इसके बारे में आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। अब ये जो मैंने क्लासिफिकेशन आपके सामने रखी कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दो मेन क्लासिफिकेशन थी, ये किसकी बेस पे थी, इस थ्योरी की बेस पे थी। ये थ्योरी बेसिकली प्रपोज की थी बर्जीलियस ने। बर्जीलियस एक बड़ा फेमस साइंटिस्ट था, जॉन बर्जीलियस, जिसने आपको पता है कि एलिमेंट्स की सिंबल्स भी बताई थी, ठीक है, ये वही साइंटिस्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसने एक थ्योरी दी हुई थी दैट इज नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी, और ये कहता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रिपेयर होंगे, उसके बाहर यानी कि लैब के अंदर आप उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये था कि ये सिर्फ और सिर्फ किस में होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे, और सिर्फ हम उनसे ही ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेने वाले कंपाउंड को ऑर्गेनिक में रखा जाता था, और जो नॉन लिविंग से आने वाले थे वो इनऑर्गेनिक। इनका मतलब इन जो अपोजिट के मीनिंग में आता है, ऑर्गेनिक लिविंग से और इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग से। तो ये बेसिकली इस थ्योरी की बेस पे था। अब लेटर ऑन 1828 में एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक हुलर, उसने क्या किया कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करके, दैट इज अमोनियम साइनेट, उसको यूज करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर प्रिपेयर कर लिया। अब चूंकि इसने तो कहा था लैब में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उस साइंटिस्ट ने 1828 में क्या किया कि लैब के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर लिया, जिसकी वजह से ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। अब जैसे ही ये थ्योरी फेल हुई तो ये क्लासिफिकेशन भी क्या हो गई, फेल हो गई।
ठीक है, कि जब ये वाइटल फोर्स थ्योरी को फ्रेडरिक हुलर ने अपने वर्क से फेल कर दिया, तो जो इसकी बेस पे क्लासिफिकेशन थी अल्टीमेटली उसने भी क्या हो जाना था, फेल हो जाना था। तो अब जो ओल्ड डेफिनेशन थी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होने वाले कंपाउंड ऑर्गेनिक, नॉन लिविंग से ऑब्टेन होने वाले कंपाउंड को इनऑर्गेनिक रखा जाता था, वो क्लासिफिकेशन भी क्या कर दी गई, कैंसिल कर दी गई, वो क्लासिफिकेशन भी फेल हो गई। उसके बाद साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपोजिशन को स्टडी करना स्टार्ट किया, कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिए गए, हर एक की कंपोजिशन को देखा गया। तो जब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन को देखा गया, तो ये बात सामने आई कि तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर कार्बन एटम मौजूद है, और इसके साथ और एलिमेंट्स भी मौजूद है, लेकिन हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन लाजमी तौर पर पाया जाने लगा, यह पाया गया। तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, चाहे वो लैब में प्रिपेयर हो, चाहे वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो, वो कार्बन बेस्ड कंपाउंड होंगे, यानी कि उनमें कार्बन होगा। तो इस वजह से इन्होंने डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चेंज करके क्या कह दिया, कि स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स, वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स की बात की जाएगी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डेफिनेशन थी वो फ्रेडरिक हुलर के वर्क के बाद चेंज होकर, यानी कि सोर्स बेस्ड से चेंज होकर कंपोजिशन बेस्ड हो गई। और वो कंपोजिशन बेस्ड क्या थी, कि ऑल कार्बन बेस्ड कंपाउंड विच पोजेस सर्टन कैरेक्टरिस्टिक, जिनमें खास कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उनको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उनकी स्टडी को क्या कहा जाने लगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी थी, ये मॉडर्न डेफिनेशन है, अप टू डेट डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आई होप ये मेन जो इस डेफिनेशन तक आने का जो टाइम था, वो या जो मेन पर्सपेक्टिव था, वो आपके जहन में अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, स्टिल अगर आपको इस सारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में या इस हिस्टोरिकल डिस्कशन में कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो, कोई एम्बिग्यूटी हो, तो उसको आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे, कि मैं आपको चंद की एग्जांपल दूंगा। देखिए, हम आते हैं, अब आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किन्हें कहेंगे। मैंने पहले कह दिया कार्बन बेस्ड कंपाउंड, पहली चीज आपने क्या याद रखनी, कार्बन बेस्ड कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हो, विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन हैज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, और इनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, उनको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव, एंड देयर डेरिवेटिव, ठीक हो गया। अब मैं आपको क्लियर करता हूं डेरिवेटिव का क्या मतलब। इसीलिए सम टाइम आप सम बुक्स में ये डेफिनेशन भी पढ़ेंगे कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। तो ये भी ठीक है कि कार्बन बेस्ड कंपाउंड मोस्टली हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन देखें, ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन हो। अब ये CH4 मीथेन, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन है और इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन है। तो दिस इज नोन एज हाइड्रोकार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक हो गया। और इसी कंपाउंड से अगर कोई और कंपाउंड बना लिया जाए, फॉर एग्जांपल इसका एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे मैं क्या लगा देता हूं,
सीएल या कोई और ओएच लगा देता हूं, बीआर लगा देता हूं, मैं नहीं लगाता, नेचुरली मौजूद होता है, ठीक है। तो इसको आप क्या कहोगे, डेरिवेटिव। ये किससे बनाया गया है, इससे बनाया गया है, ये हाइड्रोकार्बन और ये इसका क्या है, डेरिवेटिव, जो इससे डिराइव किया गया हो, बनाया गया हो। मेन या बेसिक स्केलेटन यही है, उसी में मॉडिफिकेशन करके ये चीज बना दी गई है। तो इसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी है और ये भी है, ये हाइड्रोकार्बन कहलाएगा और ये इसका क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव। और इस तरह के कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सॉरी इस तरह के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे, और इनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सो फार आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा आखिर में, ठीक है, कि आप देखिएगा कि कुछ कंपाउंड जिनमें कार्बन होते हैं, कार्बन होता है, लेकिन स्टिल वो ऑर्गेनिक नहीं होते, इनऑर्गेनिक होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यू एक्सेप्शंस। ये आपने जहन में रखनी है, फ्यू एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल CO2, CO, CA, CO3, ठीक है जी, CN या HCN, NaCN, ठीक है, इस तरह के कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, जैसे कि ये हो गया आपकी कह लें कि NaH, CO3, Na2CO3, ये कार्बोनेट्स, साइनाइड, ठीक है, साइनेट्स, कार्बन के ऑक्साइड्स, ठीक है, ये जो इस तरह के कंपाउंड्स हैं, ये स्टिल क्या होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे, अगरचे इनमें कार्बन मौजूद है, दीज ऑल आर इनऑर्गेनिक, अगरचे इनमें कार्बन मौजूद है, लेकिन इनको हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक कहेंगे। क्यों कहेंगे, उसकी वजह ये है कि एक दो इनकी कैरेक्टरिस्टिक मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के जैसी नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप आगे जाके पढ़ेंगे कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में या ऑर्गेनिक कंपाउंड की हर क्लास में एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, जो उस पूरी क्लास की करैक्टरिस्टिक को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इन कंपाउंड्स में कोई खास फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से इसको हम इन कंपाउंड्स को एक क्लास में क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। सो फॉर इट्स इनफ, थैंक यू वेरी मच।